हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने सेक्शन ए बी सी कर लिया था, और आज की क्लास में हम लोग सेक्शन डी को करने वाले हैं। ओके, सेक्शन डी की कहानी देखते हैं। अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो हमारे पास में ये है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपके पास देखिए दो क्वेश्चन है, और स्पेसिफिकली सीबीएसई ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्या केस स्टडी। तो मतलब आपको क्वेश्चन आएगा केस स्टडी वाला। ओके, वैसे इसको स्पेसिफिकली देने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि लास्ट जो बीते हुए साल है उसमें हमेशा से ही आपको केस स्टडी आता रहा है। तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि 33 और 34 विल बी फ्रॉम केस स्टडी बेस्ड, तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए फिर कहानी यहाँ से शुरू की जाए। कहाँ से? सेक्शन डी से। ओके, तो सेक्शन डी हमारे दो क्वेश्चन है जो कि 8-8 नंबर के हैं। अब देखो पिछले साल में क्या हुआ था कि ये जो क्वेश्चन था जो कि आपका सेक्शन डी में अभी जोड़ा गया है, जिसको आप बोल रहे हो मैटप्लॉटलिब के अंदर का क्वेश्चन, इसको पहले 5 नंबर वाले में जोड़ा गया था, यानी कि सेक्शन ई के अंदर था, बट इस साल दैट इज इन द सेक्शन डी। तो चलिए बात कुछ इस तरीके से है। कहता है कि ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम अ स्टूडेंट अंकिता हैज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पाइथन प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ बार चार्ट। द बार चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स रेडी बाय 4 स्टूडेंट्स इन 1 मंथ। कुछ आपको डेटा दे रखा है जिसमें एक साइड स्टूडेंट्स हैं और दूसरी साइड आपके पास में बुक्स हैं जो जिनके नंबर बता रखे हैं कि कितनी बुक्स हैं जो रीड की जा चुकी हैं। अब कहता है कि इसी टेबल का ही आपको एक डेटा आप कह लो रिप्रेजेंटेशन करके बताया है चार्ट के थ्रू। अब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा, इससे इजी चीज कुछ और हो सकती है? मतलब अगर आपको प्रोग्राम पूछा जाता तो भी मैं मानती। यहाँ पर आपसे सीधा सीधा सवाल है कि भाई सारी चीजें आपको करके दी है, अब बस आपको गेस करना है ना। जैसे मैं आपके सामने एप्पल ले आऊं और पूछूं ये एप्पल है और इसका रंग क्या है, तो आप देख करके बताएंगे ना। तो बस वही वैसा ही सवाल है, ये इतना ईजी, मतलब थाली में परोस करके दिया गया सवाल है और कह रहे हैं फ्री में ले जाओ नंबर आप 4। अगर ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आता है तो सच में आप कह लो हाँ फ्री में बांटने वाले नंबर वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। और अगर आपने कभी अपनी लैब में एक बार भी प्रैक्टिकल किया है, कितनी बार? एक बार भी, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि इतना ईजी है। आपने कभी अगर मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन ओपन किया है तो आपने मैटप्लॉटलिब नाम सुना है ना, तो matplotlib.pyplot हम लोग लिखेंगे। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कॉपी भी है जो करते हैं ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझें। नीचे वाली चीजें हम लोग देख लेंगे क्योंकि इसमें भी यही चीज पूछ रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया हुआ है। तो सबसे पहले इस ब्लैंक में क्या आएगा, हाँ matplotlib के साथ में काम करेंगे तो हम matplotlib.pyplot को इम्पोर्ट करेंगे। यूजुअली हम लोग PLT देते हैं, आप जरूरी नहीं है कि PLT आएगा, बट आएगा क्योंकि तो इसमें देखो सब जगह PLT दे रखा है। अगर यहाँ पर XYZ होता तो आप यहाँ XYZ करते, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई फिल इन द ब्लैंक्स है भी नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो लिस्ट आपको दे रखी है, एक स्टूडेंट की और एक बुक्स रीड की। अब देखिए अगर ये एक्स एक्सिस पर है, और बिना डायग्राम देखे आप ये पता कर लेंगे कि अगर ये एक्स है तो दूसरा जो बुक रीड आपका है तो दैट इज योर जो होगा वाई एक्सिस होगा, है ना। तो बुक्स _ और READ आ जाना चाहिए, तो इसी में आया नहीं, बट यस 2 नंबर पक्के कर लिए। अब देखो अगर ये एक्स लेबल है तो बिना डायग्राम देखे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये आपका वाई लेबल ही है। फिलहाल अपने इसको देख भी लेंगे ये डायग्राम से भी। अब देखो टाइटल है, टाइटल के लिए हमें जाना ही पड़ेगा इसके पिक्चर के ऊपर, बट उसी दौरान हम ये भी देख लेते हैं कि हमने पीछे जो चीजें की हैं, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है स्टूडेंट्स का नाम, तो हमसे भी पूछा गया था क्या, एक्स लेबल पर हमारे पास स्टूडेंट्स का नाम था, वाई लेबल पर हमें ये चीज फिल करनी थी, तो वाई लेबल आता। अब एक्स पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम है तो वाई लेबल पर उनके मार्क्स की डिटेल है, बुक्स रीड सॉरी उनकी डिटेल्स है। अब बुक का टाइटल क्या है, जस्ट आपको यहां से देखना है जो बुक का टाइटल है एग्जैक्टली दैट इज नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स। कॉपी नहीं हो सकता तो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज योर टाइटल। अब आगे चलते हैं, चौथा हमने कर दिया है, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट जैसे हमने किया, हमारा बार ग्राफ हमारे सामने हाजिर हो जाना चाहिए, और वही बार ग्राफ जो हमने अभी फिलहाल अपने पेपर के अंदर देखा है, ठीक है। तो लाइक दिस इट इज कमिंग, तो आप इसको एक बार मैच भी करके देख लो, तो आपके पास करण, लीना, राज, सिमरन
का डेटा है आपके पास में, बुक्स रीड है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स दैट इज योर टाइटल, साइड में एक्स और वाई लेबल आ रहे हैं, तो यानी कि ये जो थाली में परोसा गया सवाल है ये आप में से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और ये चारों सवाल जो स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 करके आपसे पूछे गए थे, ये आपको एक एक करके लिखने हैं। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि तो पिछले बीते सालों में 35 क्वेश्चन थे, अभी 37 है, तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आता है। और ये जो क्वेश्चन है दैट इज बिलोंग्स टू आपका किससे है, एसक्यूएल से बिलोंग करता है, क्योंकि तो केस स्टडी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि केस स्टडी में एक कहानी जरूर आएगी। राहुल हु वर्क्स एज अ डेटाबेस डिजाइनर हैज डेवलप्ड अ डेटाबेस फॉर अ बुक शॉप। कॉलम नेम्स आर मेंशनड बिलो। अब बुक का कोड, टाइटल, ऑथर, प्राइस आपको सब कुछ बता रखा है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ने में दिलचस्पी रखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी तब तक इतनी हो चुकी होगी कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें सिर्फ डेटा की जरूरत है जो हमारी टेबल के अंदर का है। पहली जो हमारी क्वेरी आती है, कहता है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक्स टाइटल इन लोअर केस। तो अब मैं इसको करती हूँ कॉपी यहाँ पर, है ना। आप में से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इसको पाइथन में क्यों कर रही हूँ, मैं इसको एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके आगे चलेंगे। तो हमें क्या पूछना पूछा है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक्स टाइटल इन लोअर केस। तो लोअर केस के लिए मुझे क्या यूज करना है, पहली चीज मुझे एल केस या फिर लोअर यूज करना है, ठीक है। तो मैं जाऊंगी वापस से यहाँ पर बुक्स के जो टाइटल है उसका जो मेरे पास में एट्रीब्यूट है दैट इज कमिंग टाइटल, तो मैं बस इतनी सी बात करूंगी कि इसको एल केस में या फिर लोअर के अंदर दे दूंगी। अब टेबल का नाम जो कि हमें पता है कि बुक है, तो फ्रॉम बुक इतनी सी बात कर दो। और आप अगर और के अंदर ये भी लिख करके आते हो, ओहो कर तो मैं पाइचाम में आखिर कर रही हूं ना, तो आप यहां पर लोअर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो दोनों जो आपने चीजें की हैं वो आपको नंबर दे देंगी। अब आप बच्चे पूछते हो कि मैम दोनों करके आना जरूरी है, देखो तुम्हारे पास टाइम होगा तो आप और में कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नंबर आपको एक से ही मिलेगा, ठीक है। अगली चीज करते हैं कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द हाइएस्ट प्राइस अमंग द बुक्स। छोटे बच्चे से अगर मैं पूछू ना कि बेटा इसमें से सबसे जो हाइएस्ट प्राइस वाली बुक है वो क्या है, वो अपने माइंड में कैसे करेगा ये चीज, वो अपने माइंड में एक फंक्शन अप्लाई करेगा दैट इज मैक्स फंक्शन, है ना। तो सबसे क्या किया, 500 को कंपेयर किया सबके साथ में, 450 को किया, 600, उसको पता चला कि अच्छा, बचपन में हमने कितनी तो बार मैक्स मिन की चीजें कर रखी है ना, सबसे बड़ा नंबर, तो ये हम क्या बताएंगे, हमने माइंड में भी यही चीज की है कि एक फंक्शन अप्लाई किया और उसके बेसिस पर आंसर कर दिया। अब जैसे हम कर रहे हैं वैसे हम अपने कंप्यूटर से कराएंगे, कंप्यूटर को हमें लिख करके बताना पड़ेगा मैनुअली प्रोसीजर के थ्रू कि यस तुम ये चीज करो, क्या मैक्सिमम ढूंढो किसमें से, प्राइस के अंदर से। अब हमें करना कुछ भी नहीं था, दैट इज आर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको हम कॉपी कर लेंगे खैर, लेकिन क्वेरी लिख लेते हैं सेलेक्ट मैक्सिमम और प्राइस करना है आपने, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम विच इज बुक, सेमीकोलन हम लगाना भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दिस वॉज आर सेकेंड क्वेश्चन, सारी बुक्स के अंदर से। अगर सवाल ये होता ना आपसे क्या बुक वाइज, तो बुक वाइज के अंदर आपका ग्रुप बाय लगता, ठीक है। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि वाई वी आर नॉट पुटिंग ग्रुप बाय, तो हर चीज का एक सेंस होता है, ठीक है, हम यूं ही नहीं उसको करेंगे। अगर मेरे दाल के अंदर मुझे नमक की जरूरत है तब मैं नमक डालूंगी ना, नहीं है तो फिर क्यों डालेंगे, वही चीज यहाँ पर है। ग्रुप बाय की नीड नहीं है तो फिर क्यों परोस रहे हो, आपसे पूछा सिर्फ क्या है हाईएस्ट प्राइस है, तो हमें ग्रुप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल है कि आपके स्कूल का टॉपर कौन है, सवाल ये नहीं है कि क्लास वाइज टॉपर मुझे बताओ। चलिए अगला सवाल कहता है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल। क्या कर रहे हो आप, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ढूंढ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल। सवाल को देखो, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल, हर बुक के टाइटल का ईच आ गया, तो इट डजंट मीन दैट यू आर यूजिंग ग्रुप बाय। हर बुक के टाइटल के अंदर आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर हैं। छोटे बच्चे से पूछोगे तो क्या करेगा, वो माइंड में लेंथ फंक्शन को अप्लाई करेगा, पाइथन में होता तो हम लेंथ फंक्शन यूज कर रहे होते, अब की बार क्या करेंगे LENGTH फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं करती हूँ इसको कॉपी, ठीक है, और यहां पर हम करते हैं हैश के साथ में पेस्ट, और क्योंकि तो अब यहां पर आएगा सेलेक्ट LENGTH और उसके अंदर हम डालेंगे टाइटल, ठीक है,
और फ्रॉम बुक इज द टेबल। तो हर किसी का टाइटल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पर कॉमा से टाइटल भी लिख सकते थे, तो हर एक बुक के टाइटल के साथ डिस्प्ले हो जाएगा आपको। अब ये कहते हैं कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक कोड एंड प्राइस सॉर्टेड बाय प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट मी रीड इट अगेन। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक कोड, बुक कोड आपको डिस्प्ले कराना है, ओके, एंड प्राइस, प्राइस डिस्प्ले कराना है सॉर्टेड बाय प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे ज्यादा प्राइस से लेकर के कम प्राइस, मतलब डिसेंडिंग के अंदर डिस्प्ले कराना है बुक का कोड एज वेल एज दियर प्राइस। तो आप कुछ भी नहीं, आप ये क्वेश्चन को कॉपी कर लो थोड़ा सा, ठीक है, और अपने गए यहां पर पीसी पर और वैसे इसे नोटपैड में कर लेते, इससे अच्छा तो है ना। तो हैश एंड ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है, मुझे डिस्प्ले कराना है बुक कोड, तो उस एट्रीब्यूट का नाम देख लेते हैं, बुक कोड, बी कोड, ठीक है, प्राइस फ्रॉम बुक, अब ऑर्डर बाय, अब प्राइस के अकॉर्डिंग बी ई एस सी, बस इतनी सी बात हो गई रात। दैट्स इट ओके, यस मैम, बिल्कुल कूल। अब इसी में अगर आपको दिक्कत आती है तो इसी अगर ये नहीं आता तो ये वाला प्रश्न ले, बस दोनों भी चेक किए होंगे। कहते हैं कि डॉक्टर कविता हैज क्रिएटेड अ डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। डेटाबेस इंक्लूड आर टेबल नेम्स, मैक्सिमम सॉलम नेम्स आर मेंशनड बिलो, मिड शोज अ यूनिक कोड फॉर ईच मेडिसिन। आपको अगर इसमें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो मत पढ़ो, सीधा टेबल को देखो और करो क्वेरी। अब देखो ये जो सवाल होते हैं ना, जिसके अंदर आपसे क्वेरी से पूछा जाता है आउटपुट, इन सवालों को करने के लिए आप क्या करिए, आप एक ही चीज करिए कि आप इनके आउटपुट को जब डिस्प्ले करेंगे तो एक टेबल के अंदर डिस्प्ले करके आइए। दिस इज आप कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, आंसर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो अगर आप करते हो लेंथ और लेंथ में डालते हो मेडिसिन नेम और जहां पर स्टॉक क्या है 100 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छांट लो कौन है जो 100 से ज्यादा स्टॉक वाले हैं। तो आपने कहा 1, यानी कि आपको इसका एक तो लेंथ जानी है, फिर 120 वाला यानी कि इसका जानना है, फिर आपके पास में 135 वाला है यानी कि इंसुलिन, आपको इसकी लेंथ जाननी है। तो जब आप पेपर में करेंगे तो आप पेपर में बकायदा ऐसे करेंगे, जैसे आपने एक टेबल बनाई, अब आपने क्या किया यहाँ पर एल ई एन जी टी एच लेंथ और उसके अंदर डाल दिया ये मेडिसिन नेम जो भी था, ठीक है, मतलब बकायदा आपने इसको कॉपी किया एकदम, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना। अब पहले वाले की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्लीज कर लेना, नजर नहीं पड़ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरीके से गैर गैर आ रही है, ठीक है, तो अगर कोई अक्षर ऊपर नीचे हो गया होगा तो माफी चाहेंगे, बट आप इसको कर लेना, इसके अंदर लेंथ आएगी आपकी, ठीक है, ओके। अब अपने करते हैं अगली चीज को, ठीक है, इसको जल्दी से मिटाते हैं और अगला हमारा क्या है, मेडिसिन नाम आपको लिखना है, उनका लिखना है जो में जिन्होंने आप कह लो दवाइयां ली या जो भी है फोर्थ मंथ की, है ना। तो डेल डेट कौन सी है आपकी, यहाँ पर मंथ डेल डेट इज इक्वल टू फोर्थ, आपको पता है यहाँ पर पहले ईयर आता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यस, ये क्या है ईयर है, ये क्या आपके पास में मंथ है, ठीक है, और आपको क्या करना है मंथ बताना है चार, है ना। मैंने बस तो चौथा महीना यानी कि लास्ट वाले का पूछता है, तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में, लेकिन आपको लिखना कैसे, आपको ऐसे लिखना है MED_name, प्लीज कैपिटल लिख लेना, हाँ मैम आउटपुट लिखने में, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि आपको टेबल में आउटपुट करके आना है, ठीक है, ओके। अब यस अगली चीज हम लोग करते हैं, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना, कहता है कि क्या, कहता है सेलेक्ट मेड नेम, ठीक है। अब मेडिसिन हमारे टेबल का नाम है, जहां पर स्टॉक है आपका बिटवीन टिक टू टिक, याद रखिए कि ये जो दो नंबर होते हैं ना बिटवीन और एंड में, ये इंक्लूड होते हैं कि एक्सक्लूड होते हैं,
वीडियो को पॉज करना, सोचना और फिर इसको देखना। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके देख लिया होगा अभी। यस, इंक्लूड होते हैं दोनों। आप पूछोगे 120 और 200 भी इंक्लूड होगा? माय आंसर विल बी यस, डेफिनेटली। तो 120 और 200 के बीच में जो रेंज वाले आ रहे हैं, तो मैं एक बार इसको करूं 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 करूं, ये तीनों जने आपके पास डिस्प्ले होंगे, यानी कि योर आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दैट कि मेड नेम, प्लीज कैपिटल कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे ये पैरासिटामोल, कफ सिरप, और ये जो है इंसुलिन आपके पास है, यू विल बी राइटिंग दिस, और कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना। ओके, तो मैक्स डेल डेट आपके पास में आ रहा है। इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आएगी क्योंकि मैक्सिमम डेट, बड़ी डेट आप कैसे बताओगे? अरे भाई, कंप्यूटर को जैसे इसमें ना एज वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आती है ना, एज वाले क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए एल्डर कौन है, यंगर कौन है, या फिर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए जिसमें सबसे जो बंदा है जैसे पहली बार कंपनी को ज्वाइन किया, मतलब बहुत पुराना था जिसने कंपनी ज्वाइन किया, रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, ऐसे सवाल में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर सबसे बड़ा महीना कौन सा आपके पास? आप यहाँ पर मैक्स वेल बीच में 2023 छह और ये 15 तारीख है ना, आप इसको लिख रहे हैं, बट बकायदा आपको ये बॉक्स बना करके नीचे इसकी डेट है जो लिख ली है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर एक ही आएगा। ओके, बस ये कहानी थी, अब मैं आपको मिलूंगी सेक्शन डी के अंदर। छोटा सा था हमारा सेक्शन डी, बट इम्पोर्टेंट था, लेकिन सीबीएसई ने इसमें उपकार भी आपके ऊपर काफी ज्यादा कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दी चीजें, मतलब ऐसे ना। हाँ, पेपर के अंदर हो सकता है कि कोई दुखी आत्मा आपका पेपर बनाते और आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह झटका मिल जाए कि पूरा भरा पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है, तो आप बी प्रिपेयर रहो, ठीक है। सैंपल पेपर इज जस्ट अ सैंपल पेपर, ठीक है। सैंपल पेपर आपका, सैंपल पेपर नहीं, इसको सिंपल पेपर कह ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रियली इट्स अ सिंपल पेपर, ठीक है। तो सिंपल है, और पेपर जब आपके पास ओरिजिनल आएगा तो यस, जोर का झटका, धीरे से अटका, आप कैसी भी कह लो, ये स्टफ आएगा आपके पास में पेपर, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी है जो कि आप करो, और मिलते फिर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सेक्शन ई हम लोग यहाँ पर करेंगे जिसमें तीन क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।